नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। हमारे जो पुराने वीडियोस थे जगन्नाथ होरा सेटिंग के बारे में, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी साउंड के बारे में। साउंड बराबर प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा था। साउंड की कुछ इफेक्ट के वजह से मैंने जो वीडियो बनाए थे जगन्नाथ होरा, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल क्रोम में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम, गूगल में जगन्नाथ होरा टाइप करके जो लेटेस्ट वर्जन है जगन्नाथ होरा 8.0, तो पास्ट में जो पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ साउंड की त्रुटियां रह गई थी। साउंड बराबर नहीं आ रहा था, कहीं कहीं इको साउंड आ रहा था। तो आज मैं ये सारी त्रुटियां दूर करते हुए एक नया पूरा जगन्नाथ होरा सेटिंग का जो मेन बेसिक वीडियो है वो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप ध्यान से इसमें देख लिए, मैंने इसमें पूरी तरह से प्रयत्न किया हुआ है, ट्राई किया हुआ है। एक तो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है और दूसरा जगन्नाथ होरा का जो मेन स्क्रीन है उसके जरिए भी उसको यूज़ करके आपको समझाने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। तो मैं ये वीडियो प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए। और एक मैं बात बताता हूँ, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं, क्योंकि आजकल जो अगर आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लेने जाओगे जैसे परासर लाइट है, तकरीबन 20,000 के ऊपर है। दूसरा भृगु सॉफ्टवेयर है जो दीपांशु गिरी, ल्यूनर एस्ट्रो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वो भी उन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है, उसमें बहुत कुछ है, वो भी तकरीबन 20,000 के करीब ही है। और दूसरा है एस्ट्रो ऑफिस 2018, वो भी 20,000 के करीब ही है, अराउंड 20,000 आप मान के चलो। तो बहुत पेड वर्जन, लाइसेंस वर्जन महंगे सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके ऑप्शन में ये जगन्नाथ होरा है, वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, फ्री है, बहुत कुछ इसमें है। डिविजनल चार्ट है, डिविजनल चार्ट के लैंड लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड, हर एक सर्वतभद्र चक्र है, यहाँ तक अष्टकवर्ग भी है, कोटा चक्र भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये आपको मेरा निवेदन है, अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, बिगिनर हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे पहले जगन्नाथ होरा आप डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें बहुत कुछ है इसके अंदर। उसमें एक वैदिक टेक्स्ट बुक भी है, मैं आपको मैं बताऊंगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैमिनी छह दशा जो पर्टिकुलर अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ जैमिनी दशा, ताजिक चार्ट, सहम, वो बहुत कुछ इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है किस तरह चार्ट उन्होंने एनालाइज किया है। वैदिक टेक्स्ट बुक्स है कुछ 500 पेज के, वो डाउनलोड करके आप पढ़िए, बहुत अच्छा है। तो चलिए, आपका टाइम नहीं लेते, मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ। पहले मैं आपको देता हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ मैंने 10 पॉइंट मैंने बनाए हुए बेस अपना ये जगह थोड़ा सेटिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी आपके सामने जगन्नाथ होरा का मेन जो सेटिंग है, तो आपको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ स्लाइड शो में। ये पहले चार पॉइंट है। आपको एक विनती है, जब भी आप ये प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो कुछ 10 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके या पॉइंट्स लिख लीजिए या अपने मोबाइल से इसको फ़ोटो खींच लीजिए। तो इसमें जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो उस तरह से आप सेटिंग कीजिए अपने जगन्नाथ होरा में आफ्टर डाउनलोडिंग, आफ्टर डाउनलोड करने के बाद में। तो जैसे मैंने चार पॉइंट बताया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है आप गूगल क्रोम के या गूगल से आप डाउनलोड कीजिए। सेकेंड पॉइंट में मैंने ये बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसमें आईना सा चेंज कर सकते हो। अगर आप वैदिक पर्सन हो, यानी कि निरंजन ज्योतिष फॉलोअर, तो उसमें ट्रू लहरी चित्रापक साहब से लेकर सकते हो। अगर केपी फॉलोअर्स हो तो आप केपी का आइनास चेंज आप ले सकते हो। यहाँ तक आप साइना सिस्टम, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो वेस्टर्न कंट्री में, तो वो भी साइना का भी एक आइनास है, वो भी आप ले सकते हो। दूसरा कि जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपको आपके स्क्रीन की लेफ्ट साइड में आपको जो चार्ट है, चार्ट तो आपको 6 चार्ट मिलेंगे, तीन तीन की पैर में, दो लाइन में, तो वो भी किस तरह से आपको एडजस्ट करना, वो भी मैं आपको 32 में देख दिया हुआ है। तो इसमें जो आपको जब भी आप डाउनलोड करोगे तो उसका फॉन्ट्स, यानी कि जो राशि, जोडियक साइन के नेम्स वगैरह,
कि 1 2 3 4 5 अगर अगर आप समझो टॉरस लग्न की 2 नंबर की कुंडली है वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि मिथुन राशि, तो वो छोटे छोटे फॉन्ट्स भी किस तरह से बड़े करने छोटे करने वो भी इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें मैंने आपको तीसरे पॉइंट में नीचे लिखा हुआ स्क्रीन बाई ए, तो टॉप स्क्रीन पे आपको एक सिंबल मिलेगा ए, छोट बड़ा है छोटा है, तो उसको जिस तरह से आप करोगे आपको वो मिलेगा यहाँ तक आप। और दूसरा है कि आपको आपकी आपको अपनी लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें तीन चार लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी और गुजराती वो मेन। इसके बाद में आपको दूसरा भी है तेलुगु है वगैरह, तो ठीक है आपको आपकी मदर टंग में चाहिए तो इंग्लिश भी है हिंदी भी है और मराठी, मराठी इंग्लिश हिंदी और गुजराती, सॉरी मराठी नहीं है इंग्लिश हिंदी और गुजराती है ठीक है। तो वो भी आप इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज भी आप उसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा कि इसमें प्लेनेट के नाम दिए हुए हैं तो उसमें आप इंग्लिश नेम ही रखिए, और दूसरा अगर संस्कृत है आपको आती है तो संस्कृत नाम लिखिए। दूसरा जो दूसरा एक होता है चार्ट स्टाइल, बहुत बहुत सारे ऐसे होते हैं नॉर्थ इंडियन यानी कि जो हम यूज़ करते हैं, दूसरा साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन का भी इसमें दिया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे बराबर। तो चलते मैं आपको दूसरे स्लाइड में, ये 4 पॉइंट आप ध्यान से इसका फोटो खींच लिया होगा, तो आपको मैं दूसरे स्लाइड में चलता हूँ, स्लाइड नंबर सेकंड। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आप ध्यान से पढ़िएगा, पॉज कीजिएगा, ये सेकंड स्लाइड है इसको पॉज कीजिए पढ़िए पहले ध्यान से। इसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या किस तरह से आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है फॉन्ट साइज 7 नंबर के पॉइंट में। बाद में यहाँ पे आप आपको दूसरा 8वां पॉइंट बहुत मज़ेदार है, 8 पॉइंट में आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि आपको चार्ट चार्ट जो आप चार्ट है आपका नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, तो उसमें कलर कलरिंग जो हम बोलते हैं बताया जाता है कि बैकग्राउंड में कलर कौन सा कलर आएगा, फॉन्ट्स में कौन सा कलर वगैरह, उसमें बाद में जो दशा सिस्टम का जो टेबल रहता है या ताजिक का जो स्क्रीन है, यहाँ तक आप ये देख सकते हो कि अष्टकवर्ग का जो स्क्रीन है तो उसमें कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ये बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो पॉइंट नंबर 8 है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कलर्स किस तरह से फीड कर सकते हो। दूसरा एक है कि आप पॉइंट नंबर 9 में, तो यहाँ पे ये मैंने ये बताया कि आप जब भी चार्ट डाउनलोड आप जब भी आप जगन्नाथ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर सेटिंग करना पड़ता है आपको कि भाई इसमें आपको हर्सल नेपच्यून प्लूटो चाहिए, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट नंबर 9 बहुत काम आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ तो उसमें भी ये भी मैंने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 9 में टर्न ऑफ स्पेक चार्ट मोड में, तो जैसे आप इसमें डाउनवर्ड और एरो को क्लिक करोगे तो उसमें ये ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑफ चार्ट, तो आपको सिर्फ 2 ही चार्ट आपको स्क्रीन में दिखा देगा। ये ऑप्शन करने के बाद में आपको जगह थोड़ा बंद करना है और वापस चालू करना है, तब जाके ऑप्शन आपका ये चालू होगा ठीक है। ध्यान से बता दूं, जब भी आप जगह थोड़ा डाउनलोड करोगे तब आपको आपकी स्क्रीन के लैपटॉप रहेगा या कंप्यूटर रहेगा उसके लेफ्ट साइड की स्क्रीन में डिस्प्ले में आपको 6 चार्ट मिलेंगे दो दो की पेयर में। अगर आपको सिर्फ 2 ही चार्ट चाहिए तो ये ऑप्शन आप क्लिक कीजिए पॉइंट नंबर 9 वाला, तो आपको 2 चार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और जो दूसरा है पॉइंट नंबर 10, उसमें भी आप देख सकते हो हमने आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। पॉइंट नंबर 10 में मैंने ये बताया हुआ है कि जो ऑप्शनल बॉडी से यानी कि अरुद पड़ा है, अभी जेमिनी सिस्टम यूज़ करने वाले भी बोलेंगे भाई हमको अरुद पड़ा चाहिए हर एक ग्रह का हर एक भाव का, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लस आपको स्त्री लग्न चाहिए, भृगु बिंदु चाहिए, इंदु लग्न चाहिए, गुलिका मांदी वगैरह, तो इसमें ये ऑप्शन में आपको पॉइंट नंबर 10 में आपको ये मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आप फोटो खींच सको या वीडियो पॉज करके आप लिख सको या अपने मोबाइल में इसका फोटो लेकर आप अगर सो। मैं फिर से आपको स्क्रीन नंबर 1 पे ले चलता हूँ, स्क्रीन नंबर 1 है इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप अपना वीडियो पॉज करके इसका फोटो खींच लीजिए ठीक है। इसमें बहुत अच्छी तरह से इजी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, और ये स्लाइड नंबर 2 है, तो इसमें भी आप फोटो खींच के या आप वीडियो पॉज करके आप इसमें ले लीजिए। एक मिनट आपको मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ, हाँ ये मैं हटा देता हूँ चार्ट स्लाइड नंबर 2 में, इसका भी आप फोटो खींच लीजिए आराम से। तो अभी मैं स्क्रीन नंबर 2 जगन्नाथ का जो मेन है 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको वहाँ पे चलता हूँ ठीक है।
अभी यहाँ पे स्क्रीन शॉर में दूसरा में जाता हूँ, स्क्रीन में जगन्नाथ होरा में। चलिए अभी यहाँ पे आफ्टर डाउनलोड जगन्नाथ होरा, पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले जाना है प्रेफरेंस, इसमें जो ऊपर का जो टॉप आपके टॉप स्क्रीन में जो पांचवा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फाइल, सेकंड एडिट, तीसरा ऑप्शन है मोड्स, चौथा व्यू है और पांचवा प्रेफरेंस। इसमें जैसे मैंने आपको ये जो प्रेजेंटेशन में दो दो स्लाइड मैंने आपको बताया उसी तरह मैं जा रहा हूँ। थोड़ा एक आध पॉइंट आगे पीछे हो गया तो आप देख लीजिएगा, आपने, मैं आशा करता हूँ आपने फोटो निकाला रहेगा स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे आप पहले आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक करने पर आपको पहले मिलेगा रिलेटेड टू कैलकुलेशन, दूसरा ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड टू डिस्प्ले, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आपको मैं बता दूँ इसमें क्या क्या है। जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे रिलेटेड टू कैलकुलेशन, तो यहाँ आपको बहुत सारे आपको पॉपअप विंडो में ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एनहांस का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खोलेगा। तो इसमें जैसे आपको देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द एनहांस, तो आपको अपने मुताबिक एनहांस चेक करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आप नीरन फ्लोर हो तो ट्री चित्रा लीजिए, केपी है तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति पद्धति लीजिए। अगर साइना पद्धति आप यूज़ करते हो वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें साइना का भी इसमें है, ठीक है। ये क्लिक करके आप इसको सिर्फ ओके कर दीजिए। अगर केपी का आप फॉलोअर हो तो केपी आपने सिलेक्ट किया तो जस्ट आप इसमें केपी करके, सॉरी के लिए दूसरा आ गया, केपी सिलेक्ट करके सिर्फ ओके कीजिए और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, और कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं ये बंद कर देता हूँ, ये ऑप्शन एक हो गया। दूसरा ऑप्शन वापस आपको प्रेफरेंस में जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है। इसमें दूसरा एक ऑप्शन है जो मैंने अपने स्लाइड में नहीं लिखा है, आपको मैं बता दूं, जो जेमिनी वाले हैं, जो लोग जेमिनी ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं और इसमें सीखते हैं, तो इसमें यहाँ पे अरुतपाड़ा कैलकुलेशन ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप क्लिक कीजिए लेफ्ट क्लिक, तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो खोलेगा, सॉरी। इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको एक्सेप्शन यूज चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें दो ऑप्शन है, डू नॉट यूज एक्सेप्शन इन भव अरुतपाड़ा, और दूसरा इसमें यही है ग्रह अरुतपाड़ा। तो आपको जो ऑप्शन आप यूज़ करते हो, मैं तो यूज़ करता हूँ, तो जेमिनी वाले आपको समझ गए होंगे ऑप्शन करना, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, वो करके आपको ओके ही प्रेस करना है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन मैंने आपको ये आपको बता दिया जो स्लाइड में नहीं है। चलो मैं वापस आपको प्रेफरेंस में लेके चलता हूँ। ये आपका पहला वाला तो हो गया यहाँ पे आइनेंस को लेकर। अच्छा अभी इसमें दूसरा ऑप्शन है रिलेटेड टू डिस्प्ले। अभी रिलेटेड डिस्प्ले में आपको मैं कर्सर लेके जाता हूँ चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज। तो इसमें आपके सामने जो ये खोलेगा पहला ऑप्शन, इसमें आपको लैंग्वेज का ऑप्शन खोलेगा जैसे मैंने आपको बताया। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर में आपको टैप करोगे तो आपके आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन खोलेगा, आसामी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, ओरिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिया गया है। अभी मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जब भी वीडियो में बनाता हूँ तो हिंदी का लैंग्वेज यूज़ करता हूँ या इंग्लिश का लैंग्वेज, तो आप अपने मुताबिक अपना लैंग्वेज यूज़ कीजिए, ठीक है। तो साहब यहाँ पे हिंदी में रख लेता हूँ, उसके ओके कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा। बाद में मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको, वापस प्रेफरेंस में जाइए, डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पे ये चार्ट और स्टाइल में लाइए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को चार्ट कौन से स्टाइल का चाहिए, जैसे अभी ये जो ज़्यादातर अपने महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और बॉम्बे में, और यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट, बराबर। अगर आपको साउथ इंडियन चाहिए तो आप इसमें साउथ इंडियन रेगुलर इरेगुलर जो आप यूज़ अपने अपने यूज़ के मतलब आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझो साउथ इंडियन रेगुलर चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा साउथ इंडियन आ जाएगा। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्प्ले इसमें। अच्छा, ये हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा और एक मैं बता दूँ, इसमें ऑफ पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दूँ। यहाँ पे टॉप स्क्रीन में मैं आपको जिसमें स्लाइड में बताया हुआ था,
स्मॉलर और बिगर ए लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको स्मॉल करोगे, इसमें बिग करोगे, तो आपका फॉन्ट स्टाइल बड़ी, अभी स्क्रीन शेयर है तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर इसी तरह बढ़ा सकते हो, या फिर प्रेफरेंस में जाकर इसमें डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट मिलेगा, बिगर यूज स्मॉलर एडजस्ट फॉन्ट साइज, तो आप अपने मुताबिक आप इसमें एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, और एक इसमें रिलेटेड टू डिस्प्ले के ऑप्शन में और एक और इसमें चार्ट यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल, इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है कि आपको सॉरी कोई भी दो दो लैंग्वेज में चार्ट चाहिए, चाहे नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन, तो आप क्या करोगे, सॉरी ये ऊपर वाला मैंने नॉर्थ इंडियन रखा है और दूसरा जो पैर है यहाँ पे, समझो मैं यहाँ पे साउथ इंडियन लगा देता हूँ, तो अगर मैं ओके करता हूँ, ये आया नहीं, सॉरी यहाँ पे यूज टू टाइप, ये आप ये ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा, यूज टू चार्ट स्टाइल, बाद में ही आएगा ये, देखो आ गया ना यहाँ पे, एक एक रो में ये आएगा, एक रो में ये आएगा, ठीक है। तो वापस मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल, इसको अनक्लिक अनचेक कीजिए, यहाँ पे आप नॉर्थ इंडियन रखिए, तो इस तरह आप दो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एक और पॉइंट बताया था, यहाँ पे किधर भी आपका इसमें जैसे आप डाउनलोड करोगे जगन्नाथ होरा, तो आपको दो पैर में छः चार्ट मिलेगा, आपको ये सब नहीं चाहिए तो सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए किसी भी चार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया ये जो डाउन एरो है यहाँ पे, ये वाला कॉपी चार्ट के लास्ट ऑप्शन कॉपी चार्ट है, उसके नीचे डाउनवर्ड एरो, इसको आप इसमें लेफ्ट क्लिक करते जाइए, लेफ्ट क्लिक करके बाद में लास्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ पैक चार्ट, जैसे ही आप उसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो चार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मैं नहीं कर पाऊंगा कि मेरा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन चालू है और रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं ये भी नहीं कर पाऊँगा, आप करके देख, जैसे आप करोगे तो आपको जगना थोड़ा बंद करना पड़ेगा, बाद में ये आपका चूट दो चार्ट वाला आपको भी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था ये वाला ऑप्शन, ये था चूज अ व्यू विच बॉडीज टू शो, आप स्लाइड शो में आपको पता चल जाएगा, इसमें आपको बहुत सारे ये कर्सर यहाँ पे लेके चाहिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने मुताबिक इसमें चूज कीजिए। दूसरा जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शनल बॉडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यूरेनस नेपच्यून प्लूटो चाहिए, रुद्र पड़ा चाहिए, तो ये आप अपने श्री लग्न भृगु बिंदु मांदी गुलिका घटिका लग्न, तो ये आप अपने और नोट्स राहु केतु चाहिए, जब तक आप ये इसमें आप क्लिक नहीं करोगे राइट या चेक नहीं करोगे तब तक आपकी कुंडली में ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। तो मैं आपको ये बता दूँ, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और बाद में जो कॉपी चार्ट में जो लास्ट ऑप्शन है कॉपी चार्ट में जो डाउनवर्ड एरो दिया हुआ है इसको क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, अगर आपको दो ही चार्ट चाहिए तो टर्न ऑफ ये कीजिए और बाद में जगन्नाथ होरा बंद कीजिए, आपको दो चार्ट मिलेगा। अगर आपको ये सब चाहिए छः चार्ट तो ये चलेगा, बाद में जो ये जो है चूज ए व्यू, तो इसमें आपको लास्ट जो ऑप्शन है ऑप्शनल बॉडी से इसमें जाना है, तो सब ऑप्शन को आपको क्लिक करना राइट करना है, तभी आपके कुंडली में राहु केतु यूनिवर्स सबसे यूनिवर्स नेपच्यून प्लूटो सब दिखेगा और उस पर दिखेगा श्री लग्न वगैरह, ठीक है। तो ये एक हो गया आपको, मैंने ये मैं आपको बताया था। दूसरा एक ऑप्शन था ये वाला जिसमें मैंने आपको बताया था कलर्स टू बी यूज, तो इसमें क्या है कि आपको ये जो कलर है आपके चार्ट के अंदर, तो वो आपको कलर करना है कि मुझे भाई ये जो फ्रेम है बैकग्राउंड में तो ये कलर चाहिए, जिसमें आपको देखो इसमें चूज कलर लिखा है फ्रेम लिखा है, तो फ्रेम में क्या है तो आप देखो इसमें क्लिक कीजिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, दशा फ्रेम ओल्ड फ्रेम विथ लिस्ट फ्रॉम फ्रेम्स, ताजा का जो है ट्रांजिट मुंडेन का है, अष्टक वर्ग फ्रेम है, सोटबुलर चक्र है, कोटा चक्र है, तो खाली फ्रेम है इसके अंदर, ठीक है। और आइटम्स इन नेम यानी कि इसमें क्या चाहिए आपको, तो उस पर किस तरह से आपको करना है, तो कलर आप कीजिए यहाँ से कलर चूज कीजिए और आप इसमें सेव कलर कीजिए तो आपको वो आपके अंदर आ जाएगा। बहुत टाइम क्या होता है कि आपका अगर विंडोज वर्जन पुराना है तो कभी आपको वो ये सेटिंग करने के बाद में आपको जगन्नाथ होरा बंद करना है और वापस चालू करना, तो आपको ये आपको मिल जाएगा, कभी टाइम वक्त मिला तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये एक ऑप्शन मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा ये
ये मैंने आपको बता दिया, आपको मैं फिर से बता दूं, ये ऑप्शन में जाके आप ये जरूर कीजिएगा, तभी आपके कुंडली में राहु केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, आरुतपाड़ा, होरा लग्न, श्री लग्न, भृगुबिंदु, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। और दूसरा तो चार्ट डिस्प्ले मोड ये जाएंगे, ये तो यार ऐसे ही रखिए। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, रियल एस्टेट कैलकुलेशन में एनहांस आपको किस तरह चेक करना है, ये वाला ऑप्शन। और आपको मैंने आरुतपाड़ा का भी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और एक है इसमें है, अभी जेमिनी, जो लोग जेमिनी ज्योतिष सीखते हैं तो इसमें एक ये रहता है चर कारक का, तो चर कारक में दो है, एक सात चर कारक का और एक आठ चर का, तो ये ऑप्शन में आप यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, राइट क्लिक कीजिए चार्ट के अंदर, बाद में सॉरी यहाँ पे नहीं, प्रेफरेंस में जाइए, कैलकुलेशन में जाइए आप, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा चर कारक का स्कीम, आपको सात चर कारक का चाहिए, आठ चर कारक का चाहिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखो दिया, यहाँ पे दिखा दिया हुआ है एट चर कारक का, सेवन चर कारक का, तो इस अपने हिसाब से आप सेटिंग कीजिए जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और यहाँ पे और आपके यहाँ पे और एक है कि अभी इसमें जब भी आप डाउनलोड करोगे ना जगन हो रहा, तो तभी डाउनलोड होने के बाद में आपका जो करंट लोकेशन है ना, वेस्टर्न कंट्री का कोई एक कंट्री बताएगा, जैसे अमेरिका या कोई यूएसए या लंदन की कोई कंट्री यहाँ पे आपको दिखाएगी, जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ना, ये वाला बॉम्बे जहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस में, यहाँ पे ये वाला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, ये देखिए ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे मैंने इसको रिस्टोर किया हुआ है। जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ और कंट्री दिखेगा, वेस्टर्न कंट्री दिखेगी, हमें भारत की, इंडिया की बाहर की कंट्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस में जाके सेट करंट लोकेशन डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके मुताबिक आपको सेट करना है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने बॉम्बे का किया, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, आप जहाँ पे जो शहर में रहते हो उस मुताबिक आपको करना है। तो इसको क्या करना है, आपको जब भी आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री देखिए, सिंपली आप डाटा में जाइए, कहाँ पे ये जो नीचे जो यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे डाटा एडिट बर्थ चार्ट, यहाँ पे जाके आपको ये पूरा भरना है। आप जो टाइम पे, आप जो वक्त में बैठे हो, जैसे भी शाम को 6 बजे, दोपहर में, वो दोपहर का जो टाइम है वो आप यहाँ पे बर्थ टाइम में डाल दीजिए, उस दिन का तारीख डाल दीजिए, और जेंडर तो मेल फीमेल जो डालना है वो डालिए, और यहाँ पे मेन है सिटी नेम, तो आप जहाँ पे हो, जैसे भी अभी मैं बॉम्बे में हूँ तो मैंने बॉम्बे डाला हुआ है, समझो आप पंजाब में हो या फिर आसाम में, या फिर समझो आप गुजरात में हो, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप इस यहाँ पे बर्थ प्लेस डालिए, सिंपली ओके कीजिए, जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपका ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया रहेगा। मैंने शेयर स्क्रीन बंद किया है, अब मैं अपना प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि अभी कुछ बाकी तो नहीं रह गया। आप सिंपली इसको फोटो ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप पॉइंट लिख लीजिए, तो आपको अच्छा जिसने जिस जितना भी मैंने कुछ बताया वो सब यहाँ पे मैंने, क्योंकि इसमें क्योंकि जूम का वीडियो में बना रहा हूँ तो वो 30 मिनट का रहता है, बाद में वो बंद हो जाएगा उसका, क्योंकि फ्री वर्जन है ना। तो ये हो गया, जितना भी मैंने आपको बात समझाया वो इसके पूरा इसके अंदर है। अभी मैं नेक्स्ट लाइफ में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने आपको द लास्ट जो बताया ऑप्शनल बॉडीज, जिसमें राहु केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, और जो 9 नंबर का है जो मैंने आपको बताया टर्न ऑफ पैक चार्ट मोड, वो भी आप कीजिए। और अब इसमें और एक ऑप्शन है, अभी मैं आपको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे और एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक शेयर स्क्रीन करके एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बताना चाहता था, अभी हिंदी है जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे ये जो एक इसमें ये जो 6 चार्ट का जो ये 6 पैक का जो ऑप्शन है ना, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया और ये
ऑप्शन में यहाँ पे टर्न ऑफ मत कीजिए, अगर आपको आप नहीं करोगे तो आपको एक एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सारे 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 के सारे चार्ट मिलेंगे, D30, D4, D60, D10, इस जो भी चार्ट आपको चाहिए, समझो D4 के मुझे D3 चाहिए, तो यहाँ पे जो ये जो चार्ट वो चाहिए उसमें राइट क्लिक कीजिए और मैं यहाँ पे D3 लगा देता हूँ, तो यहाँ पे D3 आ जाएगा। समझो मैं कि यहाँ पे D30 नहीं चाहिए और मुझे चाहिए D10, तो यहाँ पे मैं D10 लगा दूंगा, तो एक आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। और अभी नेक्स्ट ये जगन्नाथ थोड़ा सेटिंग नंबर 1 वीडियो है, सेटिंग नंबर 2 में आपको मैं और थोड़ा आगे लेके बढ़ जाऊँगा इसमें, और थोड़ी आपको सेटिंग बताऊँगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और मैं अपना ईमेल आईडी भी आपको दे दूंगा, अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह है तो मुझे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू।